आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। न्यूज प्लस वन से मैं हूँ ज़ारा खातून और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस वन की कुछ खास खबरें। बने मौसमी सिस्टम पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर बना हुआ है। अफगानिस्तान के पश्चिमी हिस्सों पर एक और पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। दक्षिण तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र देखा जा सकता है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र झारखंड और उससे सटे गंगे पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के क्षेत्रों पर बना हुआ है। एक तरफ रेखा दक्षिण छत्तीसगढ़ से तेलंगाना और रायलसीमा होते हुए दक्षिण तमिलनाडु तक फैली हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई मौसमी हलचल। पिछले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय और मणिपुर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हुई। शेष पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों, अंतरिक्ष तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, अंतरिक्ष कर्नाटक के कुछ हिस्सों और दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू से गंभीर लू की स्थिति बनी रही। पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति देखी गई। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उत्तरी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी हिमालय, सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्व बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में आंधी और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। झारखंड में दक्षिण गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 20 अप्रैल को राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पंजाब, झारखंड के कुछ हिस्सों और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना है और इसके बाद इसमें कमी आ सकती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.